परमात्मा के पास कोई मुंह तो होता नहीं, कोई बॉडी तो है नहीं परमात्मा की, वो तो आत्म तत्व है। जैसे बिजली के तार में एनर्जी है, ऊर्जा है, तो उसका क्या स्वरूप है? वो दिखाई तो नहीं पड़ती ना। इसी तरह परमात्मा का जो दिव्य लोक है वो है कहाँ? वो हमारे अंदर ही तो है, तो दिखाई तो नहीं पड़ता वो, तो उसका कोई लोक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, वो जो परमात्मा है उसको हमें समझना है। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान उतरा, व्यास जी कहीं बैठे सुन रहे थे कि किसी धरती के प्राणी ने कोई प्रश्न कर रहा है और उत्तर भगवान की तरफ से आ रहा है कृष्ण के माध्यम से, तो वो लिखते गए। उन्होंने लिख ली तो गीता छप गई, तो गीता बन गई। तो गीता व्यास जी की लिखी किताब है, कृष्ण जी की किताब नहीं है, नंबर वन। और ये कृष्णोवाच नहीं है, ये अर्जुनोवाच और भगवानोवाच है। कृष्ण का नाम ऊपर से नीचे तक पूरी गीता में कहीं भी नहीं। तो ये भगवत वाणी है, भगवान की वाणी है, क्योंकि भगवान की वाणी है इसलिए इसको समझना है कि सारे संसार के लिए है, सभी प्राणियों के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबके लिए गीता के ज्ञान है। गीता के ज्ञान हिंदू किसी नेता का ज्ञान नहीं है, हिंदुओं के लिए ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान है। और जो परमात्मा का ज्ञान होता है वो सबके लिए होता है। हिंदुओं के लिए अलग ज्ञान भेजेगा और मुसलमानों के लिए अलग और सिखों के लिए अलग, तो क्या वो परमात्मा कहलाएगा? वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकता है। परमात्मा तो वही है जिसका ज्ञान सबके लिए हो। परमात्मा क्या ऐसा हो सकता है कि वो हिंदुओं के अलग भेजे, मुसलमानों के लिए अलग? परमात्मा के ज्ञान तो सारी मानव जाति के लिए। इसमें हज़ारों शिक्षाएँ, ये संस्कृत में आई क्योंकि संस्कृत वहाँ के लोग जानते थे, कृष्ण जी भी संस्कृत जानते थे, तो संस्कृत में आई, ट्रांसलेट हुई, अनुवाद हो गया और सारे दुनिया में फैल गया। इनमें हजारों शिक्षाएँ, मुख्य शिक्षा इसकी न्याय, न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस इवन इफ यू हैव टू पनिश योर ब्रदर पनिशिंग। तो ये ज्ञान दिव्य लोक से उतरा, क्या उतरा? न्याय का, जस्टिस। अभी जस्टिस सबको जरूरी है, न्याय करना केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी संसार का आदमी न्याय करे, अन्याय कोई भी न करे। अब इसमें आप देखिए दूसरा, ये 5000 वर्ष पूर्व आया दुनिया, 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध की आत्मा में एक और किताब उतरी, त्रिपिटक, पूरा ज्ञान उतराया, पाली भाषा में आया, नेपाल के लुम्बिनी वन में शुद्धोधन राजा के यहाँ इनका पुत्र का जन्म हुआ, सिद्धार्थ इनका नाम था। बाद में इन्हें जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो ये बुद्ध कहलाए, जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इस ज्ञान जो उतरा है दिव्य लोक से आया, इसमें तत्सम्य ज्ञान, समता का ज्ञान, सब बराबर है। उनकी हजारों शिक्षाएं हैं, एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सब बराबर है, ऊंच नीच गलत है। तब ये ब्राह्मण बड़े ऊंचे, ये क्षत्रिय से नीचे, और ये शूद्र सबसे बीच में, और फिर बनिया और से नीचे, और शुद्ध सबसे नीचे। उनका ये व्यवस्था मनुष्यों की बनाई है, परमात्मा की नहीं है। मनुष्यों ने अज्ञानतावश्य व्यवस्था बनाई है। ऑल आर इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड, ईश्वर ने सबको बराबर बनाया, किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया। जो जात पात को मानते हैं वो ईश्वर के विरोधी हैं, तो ईश्वर का विरोधी नहीं बनना है हमको। जात पात का कोई भरोसा नहीं, हमें कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, इक्वलिटी पर विश्वास करना चाहिए। कास्ट सिस्टम वॉज क्रिएटेड फॉर ए सोसाइटी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टूडे, इज अ लॉस्ट इट्स रेलेवेंट, एंड दिस सिस्टम वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ मैन, एंड दैट टू फॉर ए सोसाइटी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टूडे, इज अ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। वॉट इज नीडेड टूडे? इक्वलिटी एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, टू ट्रीट एवरीबडी इक्वल। तो ये शिक्षा हमें बुद्ध की शिक्षाओं से मिली, ये पाली भाषा में आई, ट्रांसलेट हुई, सारे दुनिया में फैल गई। 2000 वर्ष पूर्व हिब्रू भाषा में इसराइल देश के पैलेस्टाइन प्रांत में एक जेरूसलम नाम का नगर है, उसके पास एक गांव है बैतलम, उस गांव में जोसेफ बड़े थे, उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने ईसा रखा। ईसा अति पवित्र आत्मा थे, उनकी आत्मा में दिव्य लोक से ज्ञान आया, और ये था बाइबल का जिसमें लिखा था इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जो करुणामय होंगे, जो दयामय होंगे, तो जो विनम्र होंगे इस पृथ्वी के राजा बनेंगे, शक्तिशाली राजा बन जाएंगे। तो उन्होंने विनम्रता और करुणा को शक्ति का स्रोत बताया। तो ये शिक्षा बुद्ध जी यीशु मसीह की सारी मानव जाति के लिए, हिब्रू भाषा में आई, ट्रांसलेट हुई,
सारे दुनिया में फैल गई, विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट होके। तो ये ज्ञान भी सबके लिए। आज से 1400 साल पूर्व हजरत मोहम्मद की आत्मा में, पवित्र आत्मा में एक और दिव्य ज्ञान उतरा, होली कुरान शरीफ का, जिसमें लिखा था खुदा रब्बुल आलमीन है। रब्बुल मुसलमीन नहीं है, मुसलमानों का रब नहीं है, आलमीन का रब है। आलमीन माने धरती का रब है। और सारे दुनिया के खुदा, एक खुदा के बंदे हैं लोग, एक खुदा ने बनाया, एक अल्लाह ने बनाया, सब भाई भाई हैं। तो कुरान शरीफ का संदेश भाईचारे का है, प्रेम का है, मोहब्बत का है। और ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सारी मानव जाति के लिए। खुद कुरान में लिखा है कि खुदा रब्बुल आलमीन है, धरती का रब है, सृष्टि का रब है। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान समझते हैं कि कुरान उनके लिए है, हिंदू समझते हैं कि गीता उनके लिए है, बुद्धिस्ट समझते हैं कि त्रिपिटक उनके लिए है, ईसाई समझते हैं बाइबल उनके लिए है। ये अंधकार है। ये किसी हिंदू धर्म के नेता, मुसलमान धर्म के नेता, और ये ईसाई धर्म के नेता और बुद्ध धर्म के नेताओं ने नहीं लिखी किताबें। ये कोई नेता नहीं थे, तो दिव्य अवतार थे। इनको दिव्य ज्ञान मिला परमात्मा का। परमात्मा तो एक है, जो सूरज चलाता है, जिसने चांद बनाया, जो हवा और पानी देता है, जिसने धरती बनाई, जिसने आकाश बनाया, वो एक है। वो परमात्मा भी एक है, जिसने सब कुछ बनाया, सब प्राणियों को बनाया। वो सबको प्यार करता है, सबको हवा देता है, सबको पानी देता है, सबको धूप देता है, सबको सूरज की गर्मी और चांद की शीतलता देता है। वो परमात्मा जो सबके लिए है, उसका ज्ञान भी सबके लिए है। ये जो दूरियां हैं, ये अज्ञानता के कारण है। CMS को, बच्चों को ये दूरियां मिटानी है। अपने मम्मी पापा से कहिए, लोगों से कन्विंस कीजिए, उनको समझाइए कि अलग अलग नहीं है धर्म, परमात्मा तो एक है। इन सबकी आत्मा में दिव्य ज्ञान तो एक परमात्मा से आया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो शरीर यहीं रह गए अवतारों के, आत्मा तो उसी परमात्मा में विलीन हो गई। राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, मोहम्मद का, नानक का, ईसा का, सबका परमात्मा एक है। इन सब के अंदर जो आत्मा थी, एक ही परमात्मा की थी। इन सब के अंदर जो दिव्य ज्ञान आया, एक ही परमात्मा से आया। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी आत्मा उस एक ही परमात्मा में जाके विलीन हो गई। इन सब का परमात्मा एक, हमारे अलग अलग हो गए, ये अज्ञान है, इसको मिटाना है। प्यारे बच्चों, ये अरबी में आई, ट्रांसलेट हुई कुरान शरीफ, सारे दुनिया में फैल गई। आज से 550 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी की आत्मा में एक और ज्ञान उतरा, गुरु ग्रंथ साहब का, जिसमें लिखा था अब्बल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे और एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भरे कौन मंदे। अब कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, कब, जब तेरे भाने सर्वत्र दा भला, सारे संसार के प्रत्येक प्राणी की जब भलाई करेगा तब नानक का नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जा सकता है। क्यों कि एक नूर ते सब जग उपजा, एक पृथ्वी से, एक परमात्मा से सारा जग उत्पन्न हुआ है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, किसी को भला बुरा मत बोलो। और नानक नाम चढ़दी कला, कब, जब तेरे भाने सर्वत्र दा भला, सबका भला, सारी सृष्टि के प्रति कौन। तो ये शिक्षा उन्होंने कहा कि सबकी भलाई के लिए त्याग करो, जो त्याग करते हैं वो सच्चा सौदा है। तो वहा, और ये ट्रांसलेट हो गया, गुरुमुखी पंजाबी में आया, सारे दुनिया में फैल गया गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान। और आज से 200 वर्ष पूर्व बाहुल्ला की आत्मा में किताब एक दस का ज्ञान आया, इसमें था एकता। ये पर्शिया में आया, ईरान के देश में, क्योंकि उनकी कोई तस्वीर अवेलेबल नहीं है, तो हमने उनके बेटे अब्दुल बहा की तस्वीर लगाई है, जो कि उनकी शिक्षाओं के, अपने पिता की शिक्षाओं के इंटरप्रेटर थे। उन्होंने कहा एक कर दे हृदय अपने, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो। उन्होंने कहा माई गॉड यूनाइट द हार्ट्स दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम द ग्रेट पर्पस। पति पत्नी, माता पिता के हृदय एक हों, पवित्र हों, एक हो जाएं, घर में पिता पुत्र, पिता पुत्री के, भाई भाई के, भाई बहन के, सबके हृदय एक हों, पूरे घर में, पूरी घर में, सब में हृदय पवित्र हों और एक हो जाएं, तो घर में स्वर्ग आएगा। मोहल्ले के लोगों के हृदय पवित्र हो जाएं और एक हो जाएं, तो मोहल्ले में स्वर्ग आएगा। और नगर के लोगों के हृदय एक हो जाएं, पवित्र हो जाएं, एक हो जाएं, तो नगर में स्वर्ग, और प्रांत में, और देश में, और दुनिया में सबके हृदय एक हो जाएं और सब में एकता आ जाए,
सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। कोई समस्या दुनिया में नहीं रह जाएगी यदि हम सबसे प्यार करें और सबको हम एक कर लें। तो प्यारे बच्चों, एकता का संदेश दिया। 5000 वर्ष पूर्व, उससे भी 2500 वर्ष पूर्व, यानी आज से 7500 वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आगमन होता है। उनको कोई दिव्यलोक से कंप्लीट सेट ऑफ लॉज, एक पूरा जैसे गीता का कृष्ण जी को मिला कंप्लीट सेट ऑफ लॉज, तो पूरा ज्ञान मिला। ऐसा कोई ज्ञान रामचंद्र जी को नहीं मिला, इसलिए हिंदू धर्म में उनको अर्ध अवतार मानते हैं और कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं। कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, ईसा है, मोहम्मद हैं, नानक है, ये सब पूर्ण अवतार हैं और रामचंद्र जी जो थे अर्ध अवतार थे। तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मानव जीवन को मर्यादित किया। फ्रॉम इटली आ रहे हैं। गना राजशेखर आईएएस हैं, रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया आ रहे हैं। इसके अलावा मार्कंड साठे फ्रॉम इंडिया और सत्य सांत्वना बार दो लोई, ये बड़े फेमस फिल्म एक्टर्स हैं। ये लोग जूरी मेंबर के रूप में आ रहे हैं। आप सभी एक बच्चों के जीवन को बनाना चाहते हैं अच्छा, और इसीलिए आपने आज तकलीफ किया आने की कि बच्चे कैसे भी हमारे अच्छे बने, उनको अच्छे संस्कार मिले, अच्छे जीवन मूल्य मिले, अच्छी फिल्में देखें और बुरी फिल्मों से वो बचाए जाएं। एक बुरी फिल्म का जो प्रभाव होता है वो जीवन पर्यंत रहता है, एक अच्छी फिल्म अभी का भी प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। बुरी फिल्म बच्चा देख भी ले, लेकिन यदि अच्छी फिल्म उसे देखने को मिल जाए तो उसका प्रभाव उस बुरी फिल्म है उसको काट देगा, और ये जो अच्छा प्रभाव है ये जीवन पर्यंत उसके माइंड में रहता है। तो अच्छी फिल्में जो बच्चों की है वो दिखा देना बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे पास जो फिल्में हैं अन्य भाषाओं में हैं, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हर एक में नीचे उसका लिखा रहता है ताकि टीचर्स उसे समझ के बता सकते हैं, बच्चे भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। और ज़्यादातर फिल्में हिंदी की भी यहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी अमेरिका में एक एक्स स्टूडेंट ने 17 स्टूडेंट्स को मार दिया है। तो ये जो सारे विश्व में आज ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित होती जा रही है। और वन ऑफ द रीज़न इज कि जो हमारी फिल्में हैं, जो कॉमर्शियल फिल्में हैं, उनमें बहुत ही अधिक वायलेंस है और सेक्स है। तो सेक्स तो वायलेंस की फिल्में जब बच्चे देखते हैं तो उनका मस्तिष्क विकृत होता है। तो ये आज इससे लड़ाई लड़ने के लिए हमारे कुरियन साहब ने, जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारी चिल्ड्रन इसके फिल्म जो मेकिंग यूनिट है उसके जो फिल्म फेस्टिवल के भी डायरेक्टर हैं, इन्होंने आज से 9 बरस पूर्व
ये विचार किया कि हम बच्चों को इससे बचाएंगे, और इसे बचाने के लिए इन्होंने कोशिश की कि हम बजाय ये कहें कि बच्चों को बचाएं, हम कुछ करके दिखाएं। तो इन्होंने एक छोटे स्तर पर कैपिटल सिनेमा में वो पहले शुरुआत की, उनसे उनके मैनेजर से बातचीत की, और उसके बाद फिर फिल्में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आने लगे। फिर दूसरे वर्ष में कई सिनेमा घर हमने लिए कुरियन साहब ने, और उन सिनेमा घरों में निःशुल्क फिल्में दिखाई, जैसे आपका नॉवेल्टी है और साउथ सिनेमा है, प्रतिभा है सिनेमा, और बहुत सारे 9 सिनेमा घरों में फिल्में दिखाई जाने लगीं। और उसके बाद फिर सोचा गया कि इतने पर भी बहुत कम बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो इन्होंने एक बड़े स्तर का अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल यहाँ शुरू किया, जिससे कि ज़्यादा बच्चे आ सके। लगभग 1,00,000 बच्चे इसे प्रतिवर्ष निःशुल्क देखते हैं। इसके लिए कुरियन साहब ने बसेस की भी व्यवस्था की, निःशुल्क बसेस भेजते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें आ सकें, और जो गंदी फिल्मों का प्रभाव है उससे मुक्ति हो सके, और अच्छी फिल्में जो बच्चों के लिए मतलब की हों वो दिखाई जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, और ये 9 वर्षों से बराबर ये फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, और ये हमारा 10वां वर्ष है, और 10वां होने जा रहा है। ये बड़े भव्य स्तर पर हो रहा है, और अभी हमारी फरवरी की आज 20 तारीख है, और अभी फरवरी में भी हमारे 8 दिन बाकी हैं, और मार्च बाकी है, और अप्रैल बाकी है, मार्च है पूरा, तो अभी हमारे पास 1 महीना है, और हमारा ये 5 अप्रैल से है, तो अभी हमारे पास 1.5 महीना है, और फिर भी अभी तक हमारे पास लार्ज स्केल में करीब करीब टोटल 1,510 फिल्में, 94 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सारे दुनिया के 94 देशों से हमारे पास 1,010 फिल्में अब तक आ चुकी हैं। इसके लिए मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कुरियन साहब की, इनका एफर्ट है। इसमें अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, 1,510 फिल्में बच्चों की अब तक आई हैं 94 देशों से, तो ये और 40 जो और फिल्में आई हैं वो हो सकता है कुछ नए देशों की हों, तो ये बहुत बड़ी तादाद में है। हम लोगों का जो फिल्म फेस्टिवल है पूरा 1 साल का मेहनत, तो जैसे 13 को फिल्म फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा, 14 से हमें हम लोगों को शुरू करने पड़ता है अगले साल का फिल्म फेस्टिवल के लिए। ये बहुत सारा करीब 15-20 स्टाफ इसमें लगे हैं फिल्म फेस्टिवल में, शुरू से लेकर के उसके बाद करीब 150 स्टाफ उसमें जुड़ जाएंगे आगे, जो फिल्म फेस्टिवल जब तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत सारा ये फिल्म में इन्वाइट करना है, कभी जैसे गांधी जी ने कहा करीब मोर देन 1500 फिल्म्स जो अभी तक आए हैं, अराउंड 94 कंट्रीज, और भी फिल्म्स आ ही रहे हैं। तो ये क्यों ये CMS ये फिल्म फेस्टिवल कर रहा है, जैसे अभी हमारे रेस्पेक्टेड गांधी जी ने जैसे कहा है, पिछले 9 साल से हम लोगों ने ये शुरू किया है, उसका पहले भी जो हम CFSI का फिल्म जाके बच्चों को दिखाया पूरा लखनऊ में, पूरा 9 थिएटरों में दिखाया। उस वक्त गांधी जी ने ये सोचा हम क्यों नहीं, हम अपना पास ये ऑडिटोरियम है, हम इससे ज़्यादा बच्चों को दिखा सकते हैं। उस वक्त तो ज़्यादा ज़्यादा 1,500 बच्चे फिल्म देखने आते हैं। अभी गांधी ने सोचा ये हम अपना जो पास जो ऑडिटोरियम है उसमें हम दो, पहले हमने 3 शो किया था, उसके बाद 1 साल 2 साल 3 शो किया था, तो 3 शो तीसरे शो में बच्चे कम आ रहे ताकि स्कूल का जो छोड़ने का टाइम है इसमें बच्चे कम आए, तो उसके बाद हमने 2 शो रखा है। 2 शो में कम से कम 10,000 बच्चे रोज़ ये फिल्म देखने आते हैं। अभी आपने देखा होगा इसका जो व्यूज़, जो बच्चों का व्यूज़, टीचर्स का व्यूज़, पेरेंट्स का व्यूज़ ये देखा आपने देखा है, तो ये एक बहुत ज़्यादा आजकल का जो सिचुएशन जो बन रहे, आजकल का जो सिचुएशन जो स्कूलों में जो सब बन रहे, उसी को देख करके ये फिल्म फेस्टिवल बहुत ही ज़रूरी है। मैं सब सारे स्कूलों लखनऊ का सारे स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे को भेजे, वो फिल्म आपको बच्चों को दिखाए, उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को। 9 दिन
जो सीएमएस जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये सारे लखनऊ के बच्चों के लिए, खाली सीएमएस के बच्चों के लिए नहीं है, सारे जो उसके बाद हम सीएमएस के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ये 9 दिन के बाद ये फिल्म फेस्टिवल हम लोग, ये फिल्म किसी बच्चों को हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, बिकॉज हम लोगों को जो लाइसेंस जो मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यूपी गवर्नमेंट से मिलता है, वो 9 दिन के लिए मिलता है। उसका अगर उसके बाद अगर हम कोई हमसे कहे ये फिल्म दिखाइए, हम लोग एज पर द रूल, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, वी कैन शो द फिल्म मूवी आफ्टर 13th अप्रैल। तो मैं सारे हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मैं सबको हमारा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें और ये फिल्म दिखाए। उसके अलावा भी हम सारे स्कूलों को फ्री ऑफ कॉस्ट बस भेजते हैं। अभी तक हमारा 70,000 बच्चे अराउंड 120 स्कूल से हमें कन्फर्मेशन मिला है, अराउंड 70,000 और 30,000 मोर हम लोग हमारा सी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव सबसे आप पर्सनली मिलते हैं, आप भेजिए बच्चों को भेजिए, हम बस भी भेजते हैं। और यहाँ पे सारे अरेंजमेंट आपको मिलेगा, आपको डरने का या कोई आपका बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, पूरा सिक्योरिटी हम लोग लेते हैं। बस आप बच्चे को ले आइए, फिल्म दिखाइए, अब उसी बस पे बच्चा वापस जा सकते हैं, सारा कोई भी ऐसा नहीं है, हमारा सिक्योरिटी हम लगा हुआ है हर जगह। तो कोई भी आपको कोई शक है हमारे बच्चे को हम अकेले कैसे भेजेंगे, टीचर का कैसे भेजेंगे, कोई डरने की कोई बात नहीं, पूरी पूरी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं, पूरी पूरी जिम्मेदारी ले रहे, बच्चे को फिल्म दिखा के दो घंटे का शो है, बच्चे को उसी बस में हम आराम से बच्चों को स्कूल वापस भी भेजते हैं। इसलिए आपको इसमें कोई शक होने की बात नहीं है, जरूर आप बच्चे को भेजिए, फिल्म दिखाइए। मैं अभी जो कुछ हम रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे, जो लास्ट ईयर का क्या व्यूज़ जो फिल्म देखने के बाद बच्चों ने आपको आपसे शेयर किया होगा, मैं चाहता हूँ तो अभी ये थोड़ा सा व्यूज़ शेयर करें हम लोगों को साथ। टू द एंटायर family of CMS for taking this initiative and nurturing up the young minds, because you know the movies play a very very vital role in shaping up the minds of young generation. As very well said by sir, that media doesn't play very honestly in shaping up these children, and if we bring up some good movies, we can always have an impact on the minds of the children, because if the directors are concentrating on bringing the social evils on the cinema, I personally feel it is more important and the responsibility to bring up certain issues, it should be child-centric. It should be more related to the children, because if we imbibe the things through media, it has a better impact on the children. Like I remember when we were young, we used to watch those movies where the problems related to child life was showcased, and it always had a very great impact on our minds. I remember a movie called Kitab. Like I am from the 70s, so I remember that movie, and after that movie I became so conscious that failure should never lead you to take any wrong decision. Because I remember in that movie, the child Raju, Master Raju, he escapes from home and he was taken up by the human trafficking in Mumbai and all. After that, I got so scared and I took it as a lesson for my life. And we used to talk to our friends also, we cannot be a failure in our life. You should always excel. The movies like My Name is Kalam, a child with adversity grows to a level where he really makes his name in education field. So we as an educationist, I really appreciate the gesture of the CMS family who is doing this good job by showcasing such movies in Lucknow. At least I must say the students of Lucknow are lucky enough to have CMS family who invite our children to see these movies. It gives me great pleasure to come as guest of honor to this function, to be made aware about the intentions of education beyond curriculum. Whereas institutions make a genuine effort to reach out to making students wholesome, complete, and responsible citizens, it is indeed also a matter of concern, as Mr. Gandhi said, seeing the trends among students today. But I firmly believe that media
is not fully to blame. The reason why I say this is because at a young age, at a developmental stage, जिस तरह जैसे है एक पौधे को जरूरत है कि उसको सपोर्ट मिले और हम एक डंडी बांध डाल करके उसको जो है बांध करके उसको सहायता या मदद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो है बच्चों के लिए भी एट अ यंग टेंडर एज हम लोग को उनको ऐसे तैयार करना है ताकि वो शारीरिक ढंग से, मानसिक ढंग से और आत्मिक ढंग से वो मजबूत बने और आगे चल के वो समाज को दे सके। शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।